शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों दोस्तों धनतेरस, धनतेरस के दिन झाड़ू खरीदना बेहद शुभ माना जाता है। कहते हैं धनतेरस के दिन विषम संख्या में ही झाड़ू खरीदनी चाहिए, जैसे कि 3, 5 या 7 झाड़ू खरीदें। कम से कम 3 झाड़ू अलग अलग कार्यों के लिए खरीदना चाहिए। धनतेरस पर खरीदी गई झाड़ू से दीपावली के दिन मंदिर में साफ सफाई भी करनी चाहिए। आप नारियल की झाड़ू भी खरीद सकते हैं, सीखों की भी खरीद सकते हैं, या फूल झाड़ू भी आप खरीद सकते हैं। कहा भी अगर झाड़ू है तो दोस्तों झाड़ू को कुछ नियम होते हैं। माँ लक्ष्मी इसलिए ही नहीं माना जाता है, इसके कुछ नियम होते हैं झाड़ू के। झाड़ू को कभी भी पैर नहीं लगाना चाहिए, साथ ही झाड़ू लगाने के तुरंत बाद घर से बाहर नहीं जाना चाहिए। झाड़ू से पैर लगने से माँ का अनादर होता है। यदि धोखे से झाड़ू पर पैर लग भी जाता है तो माँ लक्ष्मी से क्षमा याचना मांगनी चाहिए। और किस धनतेरस के पर्व पर नई झाड़ू आपको जरूर खरीदनी है, और उसकी पूजा जैसे मैं यहाँ दिखा रही हूँ इसी तरह से करनी है। सबसे पहले मैंने हल्दी का लेप कर लिया है, फिर मैंने स्वास्तिक बना लिया है। इसके अलावा आप रंगोली भी बना सकती हैं अगर ये नहीं बनानी है तो। और दोस्तों झाड़ू, अपनी झाड़ू जो होती है किसी को नहीं देनी चाहिए। जैसे बहुत से लोग होते हैं आस पड़ोस में झाड़ू मांग लेते हैं आपसे, आपको अपनी झाड़ू किसी को भी नहीं देनी चाहिए। कभी भी झाड़ू को किचन अनाज रखने वाली जगह पर आपको नहीं रखनी है, इससे दरिद्रता आती है और बीमारियां भी बढ़ती हैं। झाड़ू को फेंकना या जलाना नहीं चाहिए, इससे झाड़ू का दोस्तों अपमान भी होता है। रात के समय भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। किसी किसी वंश आप लगा भी लें तो कचरा एक तरफ आप इकट्ठा करके रख दें, उसे फेंके नहीं बाहर। और इस तरह से ये झाड़ू मैंने ले ली है, मैं चावल की डेरी लगा दूंगी पहले, फिर ये झाड़ू यहाँ पर रख दूंगी। तो इस तरह से आपको जो सतिया बनाया है, चावल के ऊपर मैंने ये झाड़ू रख दी है, इस तरह से रखनी है। और याद रखें, जब आप धनतेरस के लिए झाड़ू खरीद रहे हो तो इस बात का ध्यान रखें कि सुबह के समय ही झाड़ू खरीद लें या शाम तक खरीद लें। दिन छिपे आपको झाड़ू नहीं खरीदनी है, क्योंकि उसकी पूजा होगी और पूजा भी आपको दिन छिपने से पहले ही कर लेनी है, क्योंकि झाड़ू को हाथ नहीं लगाया जाता है दिन छिपने के बाद। तो ये काम आपको पहले ही कर लेना है। सुबह को ले आए, सुबह से शाम तक का समय है आपके पास, किसी भी समय आप ला सकती हैं। और फिर इसके बाद आपको इस पर कलावा बांधना है, जैसे मैंने कलावा बांधा है। स्वास्तिक बनाना है झाड़ू पे, बिंदी लगानी है और फूल चढ़ाने हैं, मिष्ठान चढ़ाना है जो भी आपके पास है, दिया प्रज्वलित करना है, दिए से इसकी आरती उतारनी है झाड़ू की, क्योंकि इसे माँ लक्ष्मी का दोस्तों रूप कहा जाता है। अगर आप ऐसे ही झाड़ू को ले आते हैं और ऐसे ही रख देते हैं तो ये भी अनादर माना जाता है। ये हमारे घर की गंदगी ही नहीं निकालती है, ये हमारे घर में बरकत लाती है, हमारे घर में से नकारात्मकता निकालती है, इसलिए झाड़ू को विशेष महत्व दिया है गया है। ये दोस्तों ग्रहों से भी इसका असर पड़ता है। कहते हैं स्वच्छता का संबंध जो होता है शुक्र ग्रह से होता है, और ये जो हमारी झाड़ू होती है ये भी शुक्र ग्रह का ही प्रतीक है, क्योंकि ये हमारे घर में धन संपदा संपत्ति लाने में पूरी रहती है। तो इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए, इसकी दिशा भी होती है रखने की। जैसे कि बहुत से लोग किचन में रख देते हैं, अनाज की जगह पर रख देते हैं, वहां नहीं रखना चाहिए, पलंग के नीचे नहीं रखना चाहिए। वास्तु के हिसाब से दोस्तों घर झाड़ू को घर के दक्षिण पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। इसके अलावा झाड़ू के बहुत से नियम हैं, और जो मतलब कोई घर में आ रहा है तो घर उसे दिखनी नहीं चाहिए आपकी झाड़ू, छिपा के रखनी चाहिए झाड़ू को। तो ये सारे नियम होते हैं झाड़ू रखने के। कभी भूलवंश आपका पैर लग जाता है तो क्षमा याचना करनी चाहिए। बच्चों को भी अपने ये सिखाना चाहिए। और इससे बहुत से लोग क्या करते हैं, झाड़ू से मारते हैं, तो झाड़ू को इन चीज़ों में नहीं, मारने पीटने की चीज़ों में झाड़ू नहीं लेनी चाहिए, इससे भी आपके घर में से लक्ष्मी जाने लगती है। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। और किस तरह से मैंने पूजा करी है आप देख लीजिए, मैंने स्वास्तिक बना दिया है। और जब ये झाड़ू की पूजा कर लेंगे, अब इसके बाद क्या करना है दोस्तों अब जान लेते हैं। अब मान लीजिए आपने झाड़ू की पूजा कर ली, इसे रखे रहन देना है एक दिन, पूरे दिन रखे रहन दे। धनतेरस पे अगर ली है तो धनतेरस पे ही पूज लें, दीपावली पे ली है तो दीपावली पे ही पूज लें। इसे एक दिन पूरे दिन रखे रहन देना है चौकी पे ही। अगले दिन आपको दीपावली वाले दिन जो होगा, धनतेरस पे ली है तो दीपावली के दिन इससे सफाई करनी है आपको अपने घर की। कहते हैं इससे जो अगर सफाई करते हैं तो घर में माँ लक्ष्मी का निवास होता है। पुरानी झाड़ू आपको दीपावली पर नहीं फेंकनी है, या तो इससे पहले ही बाहर निकाल दें या फिर आप
दीपावली के बाद ही उस झाड़ू को निकालें। और मंदिर में झाड़ू दान करने का विशेष महत्व होता है। अगर आप किसी भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे हैं, परेशानी से जूझ रहे हैं, तो मंदिर में बिना अनटोक करना है ये काम। 4-5 बजे ही सुबह जाकर मंदिर में झाड़ू छोड़ के आना है। कहते हैं ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है। आप कितनी भी झाड़ू छोड़ सकते हैं, 1, 2, 3 मंदिर में झाड़ू दान करने का दीपावली पर बहुत महत्व होता है। इससे जो हमारी आर्थिक तंगी है ना, वो मजबूत होती है, आर्थिक जो स्थिति वो मजबूत होती है, तंगी निकल जाती है। तो करके देखिएगा, बहुत अचूक उपाय मैंने बताया है। इसके अलावा आप जो है धनतेरस वाले दिन एक ताला भी ला सकते हैं, बंद ताला भी मंदिर में छोड़ सकते हैं, उससे भी हमारे भाग्य खुलते हैं। अगर उस ताले को कोई खोलता है जाने अनजाने में, तो उससे भी हमारे भाग्य खुल जाते हैं। बस इतना ही। सभी वीडियो मेरे चैनल पे आ गई हैं पूजा विधि की, जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो